अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपसे स्किन पॉलिश से रिलेटेड वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत इजी है और आप इसे इजीली घर पे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सॉफ्ट टच की फेस पॉलिशिंग ट्रायल किट ऑनलाइन ऑर्डर की है जो कि हर्बल है। इसमें 7 प्रोडक्ट्स इंक्लूड हैं। इसमें स्किन शाइनर है, इसमें ब्लीच पाउडर और विटामिन ई क्रीम दी गई है जो कि आफ्टर पॉलिशर यूज़ की जाती है, जो स्किन को काफ़ी देर तक मॉइस्ट रखने में हेल्प देती है। इसके बाद इसमें हम डबल एक्शन क्लिंजर भी यूज़ करेंगे इसके बाद, जो कि डीप क्लिंजिंग के लिए यूज़ होता है। और पॉलिशर में मिक्स करने के लिए इसमें ऑक्सीडाइजिंग इमल्जन दिया गया है 20 वॉल्यूम, और सूथिंग फैट के लिए सूथिंग लोशन है जो कि पॉलिशर में ऐड किया जाएगा। इसके साथ इन्होंने एक सैशे दिया है मड मास्क का। इसका मेथड बहुत ईजी है पॉलिशर बनाने का, आप इसे ईजीली घर पर बना सकते हो। इसके बॉक्स पे भी मेंशन है, इसमें हम मज़ीद चीज़ें भी इंक्लूड करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर आलमंड ऑयल और ब्यूटीफाई बाय आमना का सीरम ऐड करूँगी, और मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, वो मेरे पास नहीं था। इसके अलावा हमें एप्लीकेटर चाहिए होगा मिक्सिंग के लिए, एक छोटा प्लास्टिक का स्पून और एक ग्लास का बाउल चाहिए, और हम इसमें टैल्कम पाउडर भी ऐड करेंगे। सबसे पहले पॉलिशर बनाने के लिए हमें स्किन शाइनर चाहिए 1 टीस्पून। इसके बाद हम सूदिंग लोशन यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। थर्ड में हम यूज़ करेंगे ऑक्सीडाइजिंग इमल्जन 2 टीस्पून। इसके बाद हम ब्लीच यूज़ करेंगे अपने स्किन के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ले रही हूँ, आप इस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है तो वो उसके लिए इससे भी कम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल स्किन के लिए और ये माइल्ड है तो इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, इसको आप 1 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारे पार्टिकल्स और ये मिक्सचर अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए, और उसके बाद इसको जल्दी अप्लाई कर लेना है, ज़्यादा देर नहीं रखना। इसमें मैंने आलमंड ऑयल ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद जो है सबसे पहले जो स्टेप है वो है क्लिंजिंग स्किन के। स्किन के लिए जो है पॉलिशर से पहले बहुत ज़रूरी है ताकि स्किन अच्छे तरीके से क्लिंज हो जाए। आप डबल एक्शन भी यूज़ कर सकते हैं पहले, लेकिन क्लिंजिंग माइल्ड है और आप इजीली इसको स्किन को साफ कर सकते हैं। इसके बाद मैं एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी, इसको स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से मैं अप्लाई कर लूँगी ताकि जो है एक लेयर बन जाए पॉलिशर और स्किन के दरमियान। इसके बाद मैं पॉलिशर को अप्लाई करूँगी ओवरऑल स्किन पर अच्छे तरीके से, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं लगा रहने दूँगी, और जब आप देख लें कि ये ड्राई हो जाए तो इसको थोड़ा सा आप मसाज कर सकते हैं पानी के साथ या पॉलिशर के ब्रश के साथ इसको ला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको मसाज कर लें। ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा स्किन पे क्योंकि ये माइल्ड है। इसको मसाज कर लेने के बाद आप इसको वाइप आउट कर सकते हैं। अच्छे तरीके से वाइप आउट करने के बाद आप जो है अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं स्किन कितनी नीट हो गई है। इसके बाद है डबल एक्शन। डबल एक्शन हम यूज़ करेंगे, वैसे तो पॉलिशर में आप पहले इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बाद में यूज़ करती हूँ क्योंकि अगर स्किन पे कोई इचिंग या रेडनेस हो जाती है बाय चांस तो आपकी जो है ये डबल एक्शन जो है उसको कूलिंग इफेक्ट देती है। तो ये बहुत ईजी है, इसको आप पानी से जो है अच्छे तरीके से जो है लगा कर तो कर सकते हैं मसाज। ओवरऑल इसको मसाज करें 4 से 5 मिनट के लिए, इसको अच्छे तरीके से मसाज करके उसके बाद इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप है मास्क का। आप कोई भी अच्छा सा मास्क लें और उसको 10 से 15 मिनट के लिए स्किन पर लगा लें। मैंने इसको फिंगर्स की मदद से लगाया, ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप लगा लेंगे तो उसके बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए वेट करें कि ये अपनी स्किन पर जो है टाइम के मुताबिक एडजस्ट हो जाए, उसके बाद आप इसको रिमूव कर लें। रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं स्किन कितनी अच्छी हो गई है और ये मेरे स्किन के पोर्स भी क्लोज हो गए हैं। और इसके बाद जो है लास्ट स्टेप है विटामिन ई क्रीम का, जो कि स्किन के मॉइस्चर को लॉक करने के लिए अच्छे तरीके से मेरी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करेगी, इसको अच्छे तरीके से मॉइस्ट करके रखेगी। और ये मेरा आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी नेक्स्ट मुझे अप्रिशिएट करिएगा ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।